चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जापे विपदा परत ही सो अवत यही देश। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का आज धर्मनगरी चित्रकूट में आगमन था, जिसपे उन्होंने मदगेरनाथ स्वामी में जाकर दर्शन किया और अपना माथा टेका है, जिसके बाद उन्होंने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत उन्होंने लगभग 40 महिलाओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम के बाद हमने जानने की कोशिश की है उन महिलाओं से, उन बच्चियों से जो इस प्रोग्राम में थे, इस कार्यक्रम में थे, उनको आखिर कितनी क्या खुशी मिली, उन्होंने क्या बातें करी हैं। उन्होंने मतलब हम लोगों को बताया कि हम लोग को महिलाओं को कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, मतलब उन्होंने महिलाओं के लिए 40% हिस्सेदारी बताई है। मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ कि हमें अपनी लड़ाई के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। बहुत खुशी हुई हमें, पहली बार हमने किसी मतलब उनसे मिला है प्रधान से, कि हम मिले उनसे और उनसे कुछ बातें करें। आपने बातें करी जी? क्या बात करी आपने? सर यही कि जो हाँ मतलब ये जो पहले से जो अत्याचार हो रहा है बालिकाओं पर, विद्यालय जाने में दिक्कत होती है उनको, उनके आने से तो लगभग बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। अंदाज में कि सारे जितने ये दिए हैं वो सारे पूर कर देंगे। वादा जो अभी करके गए हैं, क्या क्या वादा करके गए हैं? सर ये मतलब छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और स्कूटी, और किसानों के लिए कुछ देने के लिए 25,000 है ये सब, और आंगनबाड़ी के लिए 10,000 है। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी, किसको आप लोग वोट करेंगे? सर आज तो अभी तो हम इन्हीं के साथ में हैं, इन्हीं के सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये महिला है, एक महिला का ही दर्द समझती हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि जो छात्राएं पढ़ती लिखती हैं उन्हें उनके लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्कूटी दी जाएगी, क्योंकि हमारे गांव से स्कूल काफ़ी दूर है और हमें आने जाने में दिक्कत होती है। तो सड़कें नहीं हैं, सड़कें बनती नहीं हैं, बारिश में कचड़े हो जाते हैं और हमें आने जाने में साइकिल से आते जाते हैं, कोई वाहन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई है उनके स्मार्टफोन और स्कूटी देते हैं। अभी तो हम इन्हीं के पक्ष में है, फिर हम अभी इन्हीं के अभी क्या बदल भी सकते हैं? नहीं, हम उन्हीं के साथ में हैं जी। वार्ता कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनके हाथों को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए, मैं कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी हूँ, मैं स्वयं एक मानिकपुर विधानसभा 237 की दावेदार हूँ, जिस तरीके से मेहनत कर रही हूँ और अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम कर रही हूं, हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में आएगी और हमारी मुख्यमंत्री चेहरा माननीय प्रियंका गांधी जी होंगी। काफ़ी बदलाव आएगा, प्रियंका दीदी के आने से हमारी जनता जागरूक हुई है, उन्होंने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। अगर प्रियंका दीदी हमारी मुख्यमंत्री बनती हैं तो बहुत बदलाव आएगा। मेन बात हम महिलाओं में, लड़कियों में सबसे ज़्यादा महिलाओं का उन्होंने जो सम्मान दिया है, पहली बात तो हमें एक सम्मान मिला है जो हमें किसी भी नेता किसी भी पार्टी दल से अभी तक ये लड़ने का मौका नहीं मिला, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रियंका दीदी ने सबसे ज़्यादा हमारा सम्मान किया है और लैपटॉप रही, उन्होंने भी बहुत कुछ हमें देने का वादा किया है और हमें उम्मीद है कि वो हमें हमारे बातों को पूरा करें। महिलाएँ सब लोग मांग की थी कि एक बार आए प्रियंका जी, हर सबसे मिले, तो आज चाहे स्कूल की लड़कियाँ रही हों या वो आंगनबाड़ी रही हों या आशा बहुएँ रही हों या स्वयं सहायता समूह की रही हों या गुलाबी गैंग की महिलाएं रही हों, आज उन्होंने सुन के उनके वचन दंग रह गए, जो कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और ये कांग्रेस जो किया है मुझे नहीं लग रहा कि कोई पार्टी ऐसा काम कदम उठा लेती है। प्रियंका जी बेवाक ये कदम जो उठाया है लड़कियों वाला, एंड्रॉयड फ़ोन वाला, स्कूटी वाला, 25,000 गरीबों को सालाना में, और उन्होंने बिजली का बिल माफ़ हाफ, किसानों को समर्थन मूल्य के बारे में उन्होंने बात कहा, 2500 रुपये गेहूँ, 400 गन्ना, ये सब उन्होंने जो कहा है वो हमें पूरा भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है। जो ये चोर लोग हैं, ये जो मीडिया को धमकी दे करके और अपनी बाह लूट रहे हैं, सब लोग जानता है, पूरा हिंदुस्तान भी जान रहा है, पूरी मीडिया भी जान रही है,